तो आज हम गतिविधि की सहायता से अंकों की पुनरावृत्ति के साथ और उसके बिना तीन अंकों की संख्या बनाना और उसकी तुलना करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये अंक लिखे हुए हैं उनमें से इसमें से कार्ड से हम तीन अंक की संख्या बनाने हैं, यानी तीन कार्ड उठा लेते हैं। तो आप तीन कार्ड उठाइए देखिए। हाँ, अभी हमने तीन कार्ड उठा लिया। अब इसमें जैसे कोई सी संख्या हम तीन बनाते हैं तो देखो पहले ये कौन सी संख्या बनती है, देखिए ना 352 कितना है 352। तो इसमें देखते हैं कि ये इकाई, ये भाई और सैकड़ा। यदि हम तीन अंकों की बनाएंगे तो वो इकाई दाई सैकड़ा तक की संख्या बनेगी। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कैसे बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे इसमें पहले देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दो और उससे बड़ी संख्या कौन सी है, तीन और उससे बड़ी संख्या पाँच। यदि हम इनको आरोही क्रम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में। यदि हम इसको आरोही क्रम में रखते हैं यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और उससे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है, यानी इन अंकों से बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या है कौन सी है, कितनी है, ये 233। कितना है 233। मान लो इसको हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या, कौन सी है, फिर उससे छोटी संख्या और उससे छोटी संख्या दो। यदि हम इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं तो कितना होता है, ये 532। यानी इसको हम घटते हुए क्रम भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, घटते हाँ अवरोही क्रम जिसको घटते क्रम में। यानी अब इसमें देखते हैं इकाई का अंक कितना है, दो दाई का अंक कितना है, तीन और सैकड़े का अंक कितना है, पाँच। तो कितना हो गया ये 532। तो अब आप बता सकते हो कि तीन अंकों में सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना हो तो किस क्रम में रखेंगे आप, आरोही क्रम में। कौन से क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखा हुआ। जैसे आरोही क्रम में पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो उससे बड़ी तो ये होता है आरोही क्रम। और यदि हम सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना हो तो क्या लिखेंगे, कौन से अंक में लिखेंगे आप, अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में लिखेंगे, यदि हम अवरोही क्रम में जमाते तो इसको में कितना आएगा, 532। अब जैसे मान लो कि इसमें से कोई भी तीन अंक आप, जैसे हम दूसरे तीन अंक ले लेते हैं और इसमें देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी बनती है। तो इसमें देखो कि आप बताओ कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक और उससे बड़ी संख्या कौन सी है, दो और उससे बड़ी संख्या कौन सी है, तीन। तो हम जैसे इसको आने यदि ऐसे देखते हैं कि ये तो कितना हो जाता है 123। तो 123 में यानी इसको कौन से क्रम में रखा हमने, वेरी गुड, आरोही क्रम में रखा। किसमें रखा, यदि हमें इसको अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, हाँ तीन रखेंगे, और उसके बाद में कौन सी रखेंगे, और उसके बाद में कौन सी संख्या रखेंगे, उसके बाद में कौन सी रखेंगे, एक। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि यदि हम उसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो वो संख्या सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, और यदि अवरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। हाँ, और तीन अंकों की संख्या मिलकर वो होती है इकाई, दाई और सैकड़ा तक की होती है ना। यानी समझ लो इसमें आया था 532 से आया था, और यानी हमें सैकड़ा तक की संख्याओं का पढ़ना हो तो इकाई दाई सैकड़ा तक है ना। और यदि हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना हो तो आरोही क्रम में लिखेंगे, और बड़ी संख्या प्राप्त करना तो आरोही क्रम में। तो इस प्रकार आप भी अपनी कक्षा में इस गतिविधि की सहायता से बच्चों को तीन अंकों की संख्या को आप पढ़ा सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि किस तरह हम सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं और किस तरह हम बड़ी संख्या को बढ़ा बता सकते हैं। थैंक यू।